गाना के दो तीन लाइन का गाना सुनाई नहीं। और उससे भी बड़ी बात कि ये मेरा पहला पहला बॉलीवुड नंबर है, तो मेरे दिल से बहुत तो जो पहली चीज़ें होती है वो कभी नहीं भुलाई जाती है, और जो आखिरी चीज़ें होती है वो कभी नहीं भुलाई जाती। शायद ये चीज़ मुझसे साथ होती है, तो मेरे दिल के बहुत करीब। अगर आपको मौका मिलता है इस मूवी के बाद किसी बड़े स्टार के साथ करने का, या तीनों खान में से कहिए, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, तो आप कौन से खान को पसंद करेंगे? मैं तीनों खानों को पसंद करूंगी। कोई एक कोई एक सपना कोई एक नहीं, मैं तीनों खानों को पसंद करूंगी, और मैं चाहूंगी कि तीनों खान मिलकर मेरे साथ एक आइटम नंबर, तीनों खान मिलकर आपके साथ एक आइटम नंबर, वो कुछ नया होगा, वो कुछ नया होगा। तो सपना चौधरी यहाँ नया चीज तलाश रही है। सपना, बिग बॉस की जर्नी कैसी रही है आपके लिए, क्योंकि बिग बॉस से आई हैं आप, और कैसी जर्नी पूरी रही है? बिग बॉस की जर्नी बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी, और मैं शुक्र मनाऊंगी कि मैं दो महीने में बाहर आ गई। अगर तीसरा महीना वहाँ पे ज्यादा पड़ता तो शायद पागल लेकिन सपना, मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। हिना खान को आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना फ्रेंड समझती थी, या कहिए मानती थी। फर्स्ट जैसे हम देख रहे थे हिना के साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, लेकिन जब हिना से पूछा गया कि लव या जैसे आपके लव को उन्होंने चुना, तो क्या लगता है आपको हिना का वो नेचर, या आपको लगा थी कहीं ना कहीं हिना से जो आपने एक्सपेक्ट किया था वो आपको नहीं मिला? देखिए, परिवार में भी पार्टीशन होती है। अगर मेरे से भी पूछोगे कि सबसे ज़्यादा प्यार किसको करती हो, तो शायद मैं पहले अपनी मम्मी को रखूँ, फिर अपने भाई को रखूँ, फिर अपनी बहन को रखूँ। तो हर चीज़ में पार्टीशन लाइफ में होती है, तो मैं इस चीज़ से कोई शौक नहीं थी कि उसने लव को चुना या मेरे को चुना। अगर हिना में से और लव में से मुझे भी किसी को चुनना होता, तो शायद मुझे वो पार्टीशन वहाँ करनी पड़ती, कोई शौक होने वाली बात नहीं होती। और अब आप बाहर आ गई हैं, तो आप किसको समझती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, या जो टेंथ तक जाने वाला है, आप किसको मानती हैं? मैं तो यानी कि आपको भरोसा है कि आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री जरूर मिलने वाली है? बिल्कुल, आपका भरोसा आपको जरूर मिलेगी। लेकिन सपना, आपको कहीं ना कहीं जब आपका नॉमिनेशन हुआ, आपको बाहर जाने को कहा गया, तो आपको ये नहीं लगा कि हरियाणा की तरफ से और पूरे देश भर की तरफ से, हम भी देश भर में जब जाते हैं हम देखते हैं कि किसी का गाना चले ना चले, सपना का गाना जरूर चल रहा होता है, तो कहाँ कमी आ गई, कहाँ वोट की कमी हो गई जो आपको ऐसे आना पड़ा? ये तो अभी मुझे अभी भी पता लगा, मैं अभी तहकीकात में हूँ, सीआईडी की तरह पहली बार मैं तहकीकात में लगी हूँ कि कमी कहाँ आई और क्या ऐसा हुआ जो मैं यहाँ हूँ। लेकिन कोई मेरे ख्याल से इतनी वो लेने वाली बात नहीं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ही बहुत बड़ा है, और हमारे हरियाणा के आर्टिस्टों के लिए वो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है कि वहाँ अगर मैं दो हफ्ते भी रहती तो मैं इतनी ही खुश हूँ। अब आप फिर से सिर्फ बॉलीवुड ही देखेंगे, या फिर हरियाणा की तरफ से फिर से उधर देखना चाहेंगे, उधर जाना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। और अपनी अपने गाने की दो तीन लाइन अगर आप व्यूअर्स को सुना दें? इस वाले गाने की मैंने नहीं गाया, और फिर भी आपकी आपके गाने हिट रहते हैं, आपके सारे परफॉर्मेंस हिट रहते हैं, तो इस गाने की दो तीन लाइन कोशिश मैं जरूर करूँगी। एक सवाल और सपना, यहाँ से आखिरी सवाल, कि जब आप उस घर से बाहर आई, तो माहौल में कुछ बदलाव लगा, लोगों की तरफ से कुछ बदलाव लगा, या फिर कुछ, या फिर आप मिस कर रही थी, या आप मिस कर रही थी? नहीं, मैं देखिए ऑडियंस हमेशा मिस करता है, जो फ्रेंड्स होते हैं हमेशा उनको मिस करता, पर बदलाव कुछ नहीं आया। पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा है, लेकिन बस एक वो टेस्ट हो गया बिग बॉस का साथ में, जो बहुत बहुत।
तो ये हमारे साथ पूरी स्टार कास्ट थी, डायरेक्टर्स थे हैंगओवर, तो जाइए सिनेमा घरों में हैंगओवर देखिए, हैंगओवर देखकर आपका हैंगओवर उतरे ना उतरे, लेकिन ये मूवी फुल फैमिली मूवी है, ऐसा नहीं है कि आप